श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, अगर आप लोगों की भी मन में कोई ऐसी कामना है जो कि बहुत ही लंबे समय से पूरी ना हो रही हो और आप उस कामना के लिए अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो, पर वह मनोकामना आपकी पूरी ना हो रही हो, तो दोस्तों आपको एक उपाय करना चाहिए। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, तो ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। बेलपत्र लेना है, सिर्फ एक बेलपत्र लेना है जिसमें 3 पत्तियाँ हों, शुद्ध लेना है, कटी पिटी नहीं लेना है। बेलपत्री लेने के बाद आपको उसकी तीनों पत्तियों पर जो है लाल चंदन लगाना है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, पूरे में मतलब तीनों जो पत्तियां होती हैं उसके सीधे साइड जो है आपको पूरे में लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन लगाने के बाद आपको किसी भी दिन, या सोमवार से शुरू करना है या किसी भी दिन से शुरू करना है, आपको इस बेलपत्र को लेकर जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे और वहाँ पर जाकर समर्पित करके आ जाना है, ठीक है। और वहाँ पर थोड़ा बैठ कर जो है भगवान से प्रार्थना करना है, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर आपको जो है 1-2 मिनट उस बेलपत्र को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखे रहने देना है, श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलकर, शिवाय ना बोलकर जो है 1-2 मिनट बाद उसी बेलपत्र को वहाँ से उठा लेना है, ठीक है। अब आपको उसी बेलपत्र को वहाँ से उठाना है जहाँ पर आपने इस बेलपत्र को रखा है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे से उठाना है श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलकर, और किसी भी शिव मंदिर में जाना है शिवलिंग के सामने। शिवलिंग के सामने जाने के बाद आपको इसी बेलपत्र को जिस पर आपने लाल चंदन लगाया, जो कि आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाकर उठाकर लाए हैं, इसी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलकर। अपनी मन की कामना को करते हुए अघोरेश्वर महादेव के नाम से आपको इसी बेलपत्र को जो है शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको निरंतर करना है, कुछ दिनों तक करना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। ये एक उपाय भी है और एक भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति भी है। तो इस काम को आप कीजिए अपनी मनोकामना के साथ में और देखिए कि आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी हो जाती है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।